व्हाट्सएप गाइस गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र एक मिनट में अपने मोबाइल से गाइस शादी का कार्ड कैसे बना सकते हैं गाइस। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस शादी का कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस, जिस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस। आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे तीन साइज देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस आप यहाँ से जोन से भी साइज में गाइस आप अपना शादी का कार्ड बनाना चाहते हैं गाइस, तो गाइस आपको यहाँ से वो साइज सिलेक्ट कर लेना है गाइस। गाइस मैं यहाँ पे आपको वर्टिकल साइज में आपको शादी का कार्ड बना के दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बीच वाला सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ कुछ शादी का कार्ड आपको दिखाई देंगे गाइस। तो गाइस आपको यहाँ से कोई एक शादी का कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे गाइस। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे गाइस। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाने के लिख देता हूँ गाइस। गाइस आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है गाइस, और गाइस आपको यहाँ पे जिससे आपकी शादी हो रही है गाइस उसका नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ गाइस। अब गाइस आपको यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है गाइस, जिस तारीख को आपकी शादी है आपको यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस डाल देना है गाइस। एड्रेस डालने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे कलर्स का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो आपको यहाँ से कलर्स भी सिलेक्ट कर लेना है गाइस अपने फॉन्ट का गाइस। तो गाइस यहाँ से आप अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ फॉन्ट भी देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस यहाँ से आप अपना मनपसंद फॉन्ट भी लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस सब कुछ गाइस कंप्लीट करने के बाद गाइस आपको यहाँ ऊपर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर सब कुछ आ गया है। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ आने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपनी इमेज लगाना चाहते हैं या अपनी वाइफ की होने वाली की, तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली ऐड इमेज पे क्लिक करना है नीचे। और गाइस जैसे ही आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी गाइस। तो गाइस आपको यहाँ से अपनी या अपनी कोई सी भी वाइफ की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है गाइस। तो गाइस आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट नंबर पे। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा गाइस, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे कुछ फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस आपको यहाँ से कोई एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे गाइस। तो मैं यहाँ पर हाइट वाला आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको अपनी फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, अच्छे से सेट कर देना है फ्रेम में। सेट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऊपर राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। राइट के निशान पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका फ्रेम में फ़ोटो लग जाएगा गाइस। तो आपको यहाँ जहाँ भी आप अपने फ़ोटो को रखना चाहते हैं तो आप उस फोटो को बाहर ले जाएंगे गाइस। अब गाइस आपको दूसरी फ़ोटो लगानी है गाइस, तो आपको सिंपली वैसे ही करना है गाइस, तो आपको वहाँ वैसे ही करना है गाइस। और फ्रेम में सेलेक्ट फ्रेम में जाना है गाइस, और फ्रेम सेलेक्ट करना है और फोटो को अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइस आपको यहाँ ऊपर राइट के बटन पे क्लिक कर देना है। राइट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो को रख देना है जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपने शादी का कार्ड बना सकते हैं गाइस। और गाइस आपको यहाँ से कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे गाइस, जैसे कि स्टिकर आप यहाँ से लगा सकते हैं गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस यहाँ से आप अपने मनपसंद स्टिकर्स भी लगा सकते हैं गाइस। आपको ढेरों सारे यहाँ पर स्टिकर्स भी देखने को मिल जाएंगे गाइस। और गाइस आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग भी शादी का कार्ड डिजाइन भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इस तरह से गाइस आप अपने ही शादी का कार्ड बना सकते हैं गाइस। और गाइस सब कुछ गाइस कंप्लीट करने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ ऊपर राइट के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस आपका यहाँ पे सब कुछ तैयार हो जाएगा, आपका कार्ड पूरा यहाँ पे तैयार हो जाएगा गाइस। आप यहाँ से गाइस डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप से गाइस अपने फ्रेंड को या गाइस किसी को भी या रिलेटिव को यहाँ से ऑनलाइन शादी का कार्ड सेंड कर सकते हैं गाइस। यहाँ से एक बेनिफिट है गाइस, अगर आप कार्ड अपने रिलेटिव या दोस्त तक गाइस नहीं भेज पा रहे हैं गाइस, तो गाइस इस तरीके से गाइस आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को गाइस इनविटेशन भेज सकते हैं। तो गाइस ये एक बहुत ही यूज़फुल गाइस ऐप है गाइस, जाइए और गाइस इस ऐप से गाइस शादी का कार्ड बनाइए और अपने दूर के रिलेटिव या दोस्त को गाइस इस तरह से अपनी शादी का इनविटेशन दे सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रोजाना वीडियो लेके आता रहता हूँ गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।